तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं गाइस माइनक्राफ्ट। और गाइस आज हम माइनक्राफ्ट बनाने वाले हैं अनलिमिटेड ड्रिफ्टस्टोन फार्म। और गाइस ड्रिफ्टस्टोन आप तो समझते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइनक्राफ्ट में। हमें बहुत सारी जगहों पर भाई ड्रिफ्टस्टोन की है वो ज़रूरत पड़ती है, और भाई बहुत सारे फार्म्स में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने लावा फार्म बनाया था उसमें ड्रिफ्टस्टोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ना ड्रिफ्टस्टोन के उसमें वो लावा फार्म है वो काम नहीं करता। सो आज हम ड्रिफ्टस्टोन फार्म बनाने वाले हैं। और गाइस ये ड्रिफ्टस्टोन फार्म बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है तब भी आप ये ड्रिफ्टस्टोन फार्म बना सकते हो, लेकिन आपके उसके लिए पहले जो है ड्रिफ्टस्टोन की है वो थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। सो चलिए गाइस ड्रिफ्टस्टोन फार्म बनाना स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस ये ड्रिफ्टस्टोन फार्म है वो मैं बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ से। सो सबसे पहले हमें एक यू शेप है वो तैयार करनी है। इसके बाद गाइस हमें 7 ब्लॉक है वो कंटिन्यू है वो स्टोन को लगाना है। तो 3, 4, 5, 6 और ये 7। सो गाइज हमने 7 ब्लॉक लगा दिए हैं, और अब यहाँ से भी हमें 7 ब्लॉक कंटिन्यू करने हैं। और आप देख सकना है ये दोनों लाइन है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, तो मैंने 7 ब्लॉक लगा दिया है। अगर आपके इस फार्म में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो पहले ही पता चल जाएगी। सो जैसे ही मैं यहाँ पर वाटर बकेट डालूंगा, तो गाइस जैसे ही वाटर बकेट डालूंगा तो ये वाटर है वो इस लेयर से बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने पानी यहाँ पर डाला, सो गाइस वो यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा है। सो आप जब फार्म में ये शेप तैयार करोगे तो आपका भी पानी यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा हम मैंने कहीं पर गड़बड़ की है। सो मैंने यहाँ पर पानी डाला तो मेरा पानी यहाँ तक ठीक से पहुँच रहा है, तो यहाँ तक ये मेरा कलेक्टिंग एरिया का जो सिस्टम मैंने तैयार किया ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अभी मुझे यहाँ पर जो है इस डर्ट ब्लॉक को तोड़ना है, और यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ होपर। और गाइस होपर को हमें कुछ इस टाइप से लगाना है कि सामने वाले डर्ट ब्लॉक से कनेक्ट हो। सो यहाँ पर अभी मैंने इस डर्ट ब्लॉक को हटा दिया, अभी यहाँ पर लगाने वाला हूँ मैं अपने चेस्ट। सो गाइस जो भी जो है ड्रिफ्टस्टोन टूटेगा वो हमारी इस चेस्ट में कलेक्ट होगा, तो मैं सिंगल चेस्ट लगा रहा हूँ। अगर आप फार्म को ज़्यादा बड़ा बनाओ तो आप ज़्यादा चेस्ट लगा सकते हो बड़ी, लेकिन मेरे के लिए तो एक ये छोटी चेस्ट है वही काफ़ी है। सो अभी जिनके पास ज़्यादा ड्रिफ्टस्टोन नहीं है, बहुत थोड़ा सा ड्रिफ्टस्टोन है, उनके लिए मैं पहले एक छोटा फार्म बना लेता हूँ। इसका बिल्कुल छोटा जो है वो रूप है मैं तैयार कर लेता हूँ फार्म का। सो सबसे पहले जो है हम ऑब्जर्वर लेंगे, और गाइस ऑब्जर्वर को हमें कुछ इस टाइप से लगाना है कि वो वाटर की साइड फेस करे, या ये होपर है इस होपर की साइड उसका फेस होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ऑब्जर्वर को लगा देता हूँ, तो ऑब्जर्वर को मैं इस साइड पीछे की साइड जाके लगाऊंगा तो फेस इसका वाटर की साइड आएगा। सो अगर आप बड़ा फार्म बनाओ तो एक एक ब्लॉक छोड़कर इन्हें ऐसे लगाना है, और आपके पास ज़्यादा ड्रिफ्टस्टोन नहीं है तो सिर्फ एक ही ड्रिफ्टस्टोन है, मतलब थोड़े ड्रिफ्टस्टोन है, तो आपको एक होपर को सॉरी एक ऑब्जर्वर को ऐसे लगाना है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर हम लगाएंगे इसके ऊपर पिस्टन। गाइज हमें इसके ऊपर पिस्टन लगाना है। पिस्टन लगाने के बाद गाइज इसके ऊपर हम लगाएंगे स्टोन ब्लॉक। सो गाइज ये स्टोन ब्लॉक कहाँ पे गया भाई, ये रहा ये स्टोन ब्लॉक, और इसके ऊपर भाई फिर हम एक और स्टोन ब्लॉक लगाएंगे, और इस स्टोन ब्लॉक के सामने भाई हमें लगाना है ड्रिफ्टस्टोन ब्लॉक। सो गाइज ड्रिफ्टस्टोन ब्लॉक ही होना चाहिए। अगर आप ड्रिफ्टस्टोन ब्लॉक के बजाय अगर यहाँ पर और कोई ब्लॉक यूज करोगे तो ये फार्म है वो काम नहीं करेगा। सो गाइज हमने यहाँ पर ड्रिफ्टस्टोन लगा दिया है, और गाइज ड्रिफ्टस्टोन लगाने के बाद गाइज हमें इसके ऊपर एक ऐसी शेप तैयार करनी है जिसके अंदर जो है हम पानी है वो स्टोर कर सकें। सो गाइज इसके ऊपर जो ड्रिफ्टस्टोन के ऊपर पानी हमेशा रहना चाहिए। सो इसके लिए हम यहाँ पर ऊपर पानी के लिए एक शेप तैयार कर देते हैं जिससे ऊपर यहाँ पर पानी है वो रुकेगा। सो अभी एक वाटर बकेट ले करनी है हमें, और वाटर बकेट को भाई अभी इसके अंदर डाल देना है। सो मैं अभी ये वाटर बकेट है वो इसके अंदर डाल देता हूँ, जिसकी वजह से जो ये फार्म है वो अब थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है। अभी हमारा फार्म ज़्यादातर बनकर रेडी हो चुका है। अभी इस ऑब्जर्वर के पीछे हमने एक स्टोन ब्लॉक लगाना है, और स्टोन ब्लॉक लगाने के बाद भाई इसके ऊपर हमें रेड स्टोन लगाना है। भाई जैसे ही हम रेड स्टोन लगाएंगे तो हमारा जो ये फार्म है वो काम करना स्टार्ट कर चुका है। अभी बस हमें इसके नीचे ड्रिफ्टस्टोन लगाकर इस फार्म को चेक करना है। सो भाई आपके पास ज़्यादा ड्रिफ्टस्टोन नहीं है तो आप ऐसे एक ड्रिफ्टस्टोन से इसे बना सकते हो, मतलब थोड़े ड्रिफ्टस्टोन से, और फिर आपके पास ज़्यादा ड्रिफ्टस्टोन कलेक्ट हो जाए तो फिर आप इस फार्म को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो। सो अभी मैंने इसे बिल्कुल छोटा बना दिया है। आपके पास ज़्यादा ऑब्जर्वर या ज़्यादा पिस्टन नहीं है तो एक पिस्टन और एक ऑब्जर्वर और एक रेड स्टोन से आप इस फार्म को बना सकते हो, और नीचे आपको बस एक होपर और थोड़े बहुत आपको ब्लॉक यूज़ करने हैं, आप कोई भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हो। सो जो बाकी पिस्टन है इस फार्म को मैं थोड़ा बड़ा बना कर दिखा देता हूँ। सो मैं जल्द से जल्द इन सभी ब्लॉक्स लगा देता हूँ इनके पीछे, और इन ऑब्जर्वर्स के ऊपर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही कर इस फार्म को रेडी कर देता हूँ।
सो गाइज फाइनली हमने जो है वो फार्म बनाकर बिल्कुल रेडी कर दिया है। सो गाइज ये अनलिमिटेड ड्रिफ्टस्टोन फार्म है और गाइज ये हमें अनलिमिटेड टाइम के लिए ड्रिफ्टस्टोन देने वाला है आपके पास ज़्यादा। और भाई ये बात का स्पेशल ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर एक एक ब्लॉक छोड़कर ही इन होपर्स और पिस्टन्स को लगा है, आपको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लगाना है। अगर गाइज आप ऐसे नहीं लगाओगे तो आप इनके पीछे रेडस्टोन लगाओगे तो ये फार्म है वो काम नहीं करेगा। और इनके ऊपर जो मैंने वहाँ पर ड्रिफ्टस्टोन लगाया था ब्लॉक, वहाँ पर आपको ड्रिफ्टस्टोन ब्लॉक ही यूज़ करना है। अगर आप और कोई ब्लॉक यूज़ करोगे तो भी ये फार्म काम नहीं करेगा। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।